हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने लग रहे हैं डमी टिगर्स की। डमी टिगर्स क्या होती है, क्यों डमी टिगर्स इतनी पिक्चर में आई, हाईलाइट हुई और लगभग सारे ट्रैवलर्स ब्लॉगर्स डमी टिकट करते रहते हैं। तो बस आज इस वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को इन डिटेल समझेंगे और मैं आपको कुछ साइट्स भी बताऊंगा जहां से आप डमी टिकट्स ले सकते हैं अपने ट्रिप के लिए, अपने रिटर्न प्रूफ के लिए। और एक साइट मैं आपको बताऊंगा, हालांकि इंडिया में बहुत पॉपुलर है ये साइट और सबसे चीप प्राइस में आपको डमी टिकट देती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये फ्रॉड है। मेरे साथ तो इसने 2 बार फ्रॉड किया, तो इसका भी मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा। तो पहले शुरू करते हैं कि डमी टिकट्स क्या होती है, डमी टिकट है क्या एक्चुअली। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं डमी टिकट होती क्या है। तो डमी टिकट क्या है कि जस्ट एक आप ये समझ लीजिए, आपका फ्लाइट के अंदर रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन हो जो कि पेड नहीं है, ठीक है। आपने जैसे एक फ्लाइट में या ट्रेन में सपोज करें एक लाइक जैसे एक बस सर्विस वाले को हम फ़ोन करते हैं कि यार इस नाम से कल की दिल्ली टू जयपुर की टिकट एक बुक कर दो, टिकट मैं आपसे शाम को ले लूँगा, पेमेंट आपको शाम को कर दूँगा। तो वो जनरली ये लोग आपके नाम से टिकट होल्ड कर लेते हैं और आपके पास में बाकायदा मैसेज भी आता है। तो ये बस यही कॉन्सेप्ट फ्लाइट के अंदर था कि आपने एक एयरलाइंस में अपने नाम से एक टिकट होल्ड की, रिजर्व की, और उसे उस टाइम उन्होंने बताया 48 आवर्स 72 आवर्स, वो डिपेंड करता है फ्लाइट पे वगैरह पे, वहाँ तक वो सीट आपके नाम से वहाँ अलर्ट रहती है। तो ये है बिना पेमेंट किए आपको एक सीट या एक टिकट इशू हो जाती है, उसको आप वीज़ा के पर्पज से या कहीं इमिग्रेशन में प्रूफ ऑफ रिटर्न के पर्पज से दिखा सकते हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट डमी टिकट का। अब डमी टिकट कोई एडिटेड टिकट नहीं होती कि आपने फोटोशॉप कर लिया, या डमी टिकट बकायदा वेरीफाई होती है। इसका जो PNR है वो आप एयरलाइंस की साइट जाकर चेक कर सकते हैं। PNR क्या होता है कि पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड मतलब ये हुआ कि जब आप टिकट बुक करेंगे तो जिस नाम से बुक करेंगे वो नाम आपके उस PNR के साथ में मैच होगा, ये है PNR। ये बकायदा आपको जब आप जो जिस एयरलाइन से आपने ये टिकट बुक करवाई है, आप उसकी टिकट एयरलाइंस में जाके मैनेज बुकिंग में जाके जब वो PNR और अपना लास्ट नेम डालेंगे तो वहाँ वो शो करेगा कि ये अरुण सोनी के नाम से टिकट यहाँ यहाँ की है और ये रिजर्व्ड है। तो इसी चीज़ की वैल्यू है कि आपका PNR आपका वहाँ रिफ्लेक्ट करना चाहिए इमिग्रेशन काउंटर पर या जो भी अथॉरिटी चेक कर रही है। अगर ये वेरीफाई होता है तो आपको डाउट नहीं जाता। तो ये हो गया डमी टिकट क्या है, डमी टिकट क्यों चाहिए और डमी टिकट वेरीफाई होनी चाहिए। अब इसी पर्पज़ के लिए, क्योंकि आप बात जारी जैसे आप वीज़ा लगवा रहे हैं अगर शेनगन का कहीं का, क्योंकि टिकट्स ऑलरेडी बहुत कॉस्टली होती हैं, तो ये लोग क्या करते हैं डमी टिकट्स लगाते हैं। उन्होंने टिकट होल्ड करवाई और अप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा के सबमिट करवा दी। कई बार आपका आने का प्लान फिक्स नहीं है लेकिन आपको इमिग्रेशन काउंटर पर आपको दिखाना होता है कि आप किस डेट पे वापस आएंगे, तो भी आप डमी टिकट का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर उनको मान लो डाउट जाता है और वो वेरीफाई करते हैं तो वो बकायदा वेरीफाई होगी। अच्छा, दूसरा ये बात नहीं, आप इन सिर्फ टिकट्स को बाई भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो यह है यूज़फुल डमी टिकट के बारे में कि भाई ऐसा सही रहता है। अब डमी टिकट आपको कहाँ से मिलेगी, तो डमी टिकट के लिए मैं देखो बहुत सारी साइट्स हैं मार्केट में और सारी पर्सनली मैंने यूज नहीं की है। यहाँ जो दिखा रहा हूँ मैंने एक दो बार यूज की हैं, तो उसके बारे में हम ये डिटेल में बात कर लेते हैं। डमी टिकट आपको वही $15 से $10 से लेकर $16 तक मिल जाएंगी, वन वे हो टू वे हो लगभग का किराया सेम हो गया। रिविजन्स मतलब आपको डेट चेंज करना है, कुछ करना है, अल्टरेशन जनरली अब अलाउ नहीं रहे हैं, मतलब जो टिकट आपने एक बार बुक कर लिया उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, और जो चेंजेस वाली साइट्स होती हैं वो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज देती हैं। तो अब हम देखते हैं कि अभी
कौन कौन सी साइट्स हैं, क्या क्या स्कीम्स वगैरह हैं, आइए। इस सीक्वेंस में तो इस सीक्वेंस में जो पहली साइट है टॉप ऑनवर्ड टिकट्स, पहले इसकी 16 USD थी चार्ज चलता था, अभी इसने घटाकर 10 USD कर दिए हैं। वन वे हो या टू वे हो फ्लैट $10 लेगा, 5 मिनट से लेके 10 मिनट में आ जाते हैं, लेकिन ये लोग घंटा भर बोलते हैं, 10-15 मिनट में आपके पास में पोर्टल्स 20 USD को मतलब नहीं है। booking.com बेस्ट है इसके लिए। तो यार तो सिंपल आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, यहाँ टिकट अभी चाहिए आपको, हाथों हाथ चाहिए या आपको टिकट बाद में चाहिए, तो ये आप ये देख लो कि आपके फ्लाइट के अकॉर्डिंग आप इसको ऑप्शन को चूज कर सकते हो। फ्लाइट आपकी बाद की है तो आप उसको बाद में मंगा सकते हो, कल की फ्लाइट है तो आप उसको आज मंगा सकते हो। पेमेंट वही पेपाल और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, इसमें रिविजन्स अलाउ नहीं है। तो ये थी पहली साइट। अगली साइट है dummyflights.com, ये 15 USD लेती है, राउंड हो चाहे सिंगल साइड हो, और इसका भी आपका PNR आपका वैलिड रहेगा, वेरीफाई होगा, और इसमें सबका सेम प्रोसेस है, सिर्फ थोड़ा किराए में थोड़ा नीचे ऊपर फर्क होगा। इसमें भी रिविजन अलाउ नहीं है और आपको विद इन 4 आवर्स ही आपको टिकट्स प्रोवाइड करवा देते हैं। सैंपल्स अगर आप ले सकते हैं तो डमी फ्लाइट्स, ये दूसरी साइट है हमारे यहाँ पे। अगली है बुक ऑनवर्ड टिकट, ये भी बहुत पॉपुलर साइट है, इसने भी 16 USD से 10 USD अपनी फी कर दी है। सिंपल फॉर्म फिलअप करना है, पेमेंट करना है, आपको कुछ टाइम में आपको टिकट्स मिल जाएंगी, सेम वही अभी चाहिए बाद में चाहिए, सब कॉन्सेप्ट सेम है। नेक्स्ट है डमी टिकट्स, अगेन सेम कॉन्सेप्ट सेम प्राइस, रिविजन इसमें भी अलाउ नहीं है, ये थोड़ा महंगा है। इसमें ये आपको रिविजन ये देगा आपको, और इसकी जो वैलिडिटी है 2 से 3 वीक की वैलिडिटी है PNR की, अच्छा है, और 4 बार ये आपको रिविजन चेंजेस अलाउ करेगा, बट प्राइस ज़्यादा है इसकी, तो आपको भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका प्लान शॉर्ट नहीं है। डमी टिकट्स अगर बाइक पर करेंगे तो आपको दिखा देगा, वीज़ा के लिए 1200, डमी टिकट रिटर्न प्रूफ के लिए 990, होटल्स 1450, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स हैं जो आपको सूट होए, जो अगर आपके रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहे हैं आप वो ले लो। अगली है साइट जो है बुक फॉर वीज़ा, ये एक ट्रैवल एजेंसी है, तो इससे आप पैकेज वगैरह भी ले सकते हैं और फ्लाइट टिकट्स भी आप ले सकते हैं, रिजर्वेशन करा सकते हैं अपना। इनका भी सेम कॉन्सेप्ट है, सेम प्राइसेस हैं लगभग 15 USD, सेम डे आपको मिल जाएगा, रिविजन अनलिमिटेड अलाउ है इसके अंदर भी। बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है और आपके टिकट आपके पास में होगी। और अब लास्ट में बात करते हैं, जब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था एक साइट जो इंडिया में बहुत पॉपुलर है और चीपेस्ट प्राइस पे आपको टिकट देती है, लेकिन एक मेरे हिसाब से ये फ्रॉड है, फेक है, कई बार ये टिकट इशू करती है और मोस्ट ऑफ टाइम नहीं करती। तो मैंने भी जब इस साइट के बारे में पता चला मुझे, और 5 USD बोल रहा था और उसने मुझे अनलिमिटेड रिविजन बोले, तो मतलब पता नहीं क्यों क्या मेंटलिटी होती है आदमी की, क्या 3-4 लाख रुपए आप टूर पर लगा रहे हैं और आप 5 USD बचाने के लिए यहाँ आ गए। मैंने भी वो गलती की और इनसे मैंने 2 टिकट्स होल्ड के लिए मैंने रिक्वेस्ट डाली, हैंड टू पेमेंट दे दिया, मेरे पास ईमेल भी आ गई, और उसके बाद इन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, मेल की रिप्लाई देना बंद कर दिए और कोई टिकट्स वगैरह नहीं आई। तो अब मैं आपको सारे स्क्रीन शॉट्स वगैरह दिखाता हूँ, तो अब आप ये खुद जज कर लीजिए कि यार आप जहाँ 1-2 लाख, 3 लाख अपने ट्रिप पर स्पेंड कर रहे हैं, और क्या एक 5 USD बचाने के लिए आप ऐसी फोर्ज साइट पे आओगे और टाइम वेस्ट करोगे। तो पहले आप प्रूफ देखिए फिर आगे की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए नंबर दोनों सेम है, तो देखो इनको मैंने ऑर्डर प्लेस किया था अपना डमी टिकट के लिए, तो पेमेंट कर दिया मैंने 5 USD, उसके बाद मैंने इनको व्हाट्सअप किया, ये देखिए सामने, तो बस उनका 18 को मैंने उनको फ़ोन किया था, 19-20 की मेरी फ्लाइट थी, 18 को मैंने कॉल किया तो उन्होंने फ़ोन उठाया, 10 को फ़ोन किया था मैंने, मैडम थी कोई,
कि हम आपको कल तक टिकट भेज देंगे, 20,000 की मुझे चाहिए कि हाँ हाँ भेज देंगे। उसके बाद से देखो उनके फ़ोन उठने बंद हो गए, ये आप कॉल हिस्ट्री देख लो आप सारी, कोई कॉल उठाया नहीं इन्होंने। मैंने 10 नंबर से फ़ोन किया, अलग से किसी का फ़ोन उठाया ना उन्होंने, व्हाट्सएप पर जवाब दिया। मैंने जो मेरे पास में मेल आई थी वहाँ से इनके यहाँ से कन्फर्मेशन ऑर्डर की, वहाँ डाला तो वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो कुल मिला गया ये तो फर्जी है, फ्रॉड है। 4 में से ये लोग एक किसी का टिकट देते हैं मना के, बाकी ये नहीं देते, ये मतलब कॉल भी नहीं पिक करते। मैं दिन भर कॉल करता रहा, हालांकि इनका ऑफिस दिल्ली में आसफ अली रोड पर है, लेकिन अब चूंकि क्या है अब टाइम नहीं होता था पास में, आप नेक्स्ट डे अपना जाना है और ये आपको इंसिस्ट करेंगे कि आप 48 आवर्स पहले ही टिकट्स करवाइए, तो आदमी 5 मिनट लीप से भागेगा या मतलब क्या करेगा, तो आदमी हो जाता पजल। यही मेरे साथ में हुआ, मैसेज का जवाब नहीं, कॉल का जवाब नहीं, कुछ नहीं। लास्ट में भी मैंने कहीं और से टिकट बुक करवाई और जब वापसी में इंडिया आने लगा तब मैंने उनको वहाँ से मैसेज डाला था कि ओके थैंक यू, अब मैं अपने यूट्यूबर फैमिली को आपके बारे में बताऊंगा। तो देखिए फटाक से डाला मैंने और डालती देखिए जब आप आगे आके सॉरी हम आपसे बात करना चाहते हैं, बात करते हैं, उनके बाद उनके कई कॉल आए। तब ये देख रहा अभी आपके सब चीज़ सिनारे आपके सामने हैं, अब आपको जो अच्छा लगे करो, आपको इस फोर्थ साइड पर जाके पैसा खर्च करना है आपकी चॉइस है, पहले साइड बताई है रिलायबल है, आप वहाँ से चॉइस इज योर्स। ओके मिलते हैं फिर, जय हिंद।